हमारे चैनल फूड विद आफे को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेंगी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं डोनट। डोनट बनाने के लिए मैंने 1 कप गुनगुना दूध लिया है। ज़्यादा गर्म दूध नहीं लेना है आपको, हल्का सा गर्म होना चाहिए। इसमें 1 अंडा डालेंगे। वन टीस्पून भरकर मैंने ईस्ट लिया है, इसको इसमें डाल देंगे। टू टीस्पून मैंने शुगर ली है, इसको भी डाल देंगे इसमें और इनको मिक्स कर लेंगे। हल्का सा मिक्स करना है बस। तो इनको मिक्स कर लिया है मैंने। अब इस कप से मैं इसमें 2.5 कप मैदा डालूंगी। 2.5 कप इसमें हम मैदा ऐड करेंगे। तो ये मैदा हमने ऐड कर दिया है इसमें। अब हम इसको स्पून से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने स्पून से इसको मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैं 30 ग्राम बटर ऐड करूंगी। अब इलेक्ट्रिक बीटर में मैंने 2 हुक लगा दिया है, वो इलेक्ट्रिक बीटर से मैं इसको गूंद लूँगी अच्छे से। स्मूथ हमें गूंद लेना है। आप हाथों से भी गूंद सकते हैं, बट हाथों से बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी और रिज़ल्ट उतने अच्छे नहीं आएंगे। बट अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप हाथ से गूंद सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक बीटर से मैंने इसको 13 मिनट्स के लिए गूंद लिया था। देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा हमारा डो बनकर रेडी हुआ है। हमें सॉफ्ट भी डो चाहिए और चिपकना भी नहीं चाहिए, इस तरीके का हमें डो चाहिए। ये देखिए, ऐसा ही डो चाहिए हमें। इस पर हम ऑयल लगा देंगे। ऑयल लगा के इसको हम रख देंगे। ये देखिए, चिपक नहीं रहा है हमारा डो हाथों पर। इसको गर्म जगह पर रख देना है 2 घंटों के लिए। आप चाहें तो 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं इसको। ये मैंने डार्क चॉकलेट ली है 150 ग्राम। 100 ग्राम मैंने मिल्क चॉकलेट ली है और 100 ग्राम मैंने वाइट चोको चिप्स लिया है। अगर आपके पास वाइट कंपाउंड है तो आप वो भी ले सकते हैं। इन तीनों को मैं मेल्ट कर लूँगी ओवन में। आप डबल बॉयलर में भी मेल्ट कर सकते हैं। तो 2 घंटे हो चुके हैं हमारे डो को। ये देखिए, डो हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छे से राइज हो चुका है। अपनी क्वान्टिटी से डबल ट्रिपल हो चुका है ये। इसको बाहर निकाल लेंगे और मैदा डस्ट करके इसको हाथों से हमें मलना है। आपको हाथ की हथेली से इसको प्रेस करते हुए मलना है इस तरीके से, और मैदा डस्ट करते जाना है और इस तरीके से आपको इसको मलते जाना है हाथों से। अब हम इसके पार्ट कर लेंगे। मैं थोड़े बड़े साइज़ के बना रही हूँ डोनट, तो मैं बड़े पार्ट कर रही हूँ। अगर आप छोटे साइज़ के बनाना चाहते हैं तो छोटे पार्ट कट कर लीजिए। कहीं से मोटा या पतला नहीं होना चाहिए, एक जैसी लाइन होनी चाहिए आपकी।
तो ये देखिए पार्ट कर लिए हमने डो के। अब ये मैंने एक पार्ट ले लिया है, इस पर मैदा डस्ट करके इसको हमें गोल शेप दे देना है, बिल्कुल प्लेन। मैं हाथों से बना रही हूँ डोनट, बहुत ही इजी है हाथों से बनाना। डोनट कटर भी मिलता है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। ये गोल बना के इसको हमने मैदे में डस्ट कर लिया है, और ये मैं अपनी फिंगर को भी मैदे में डस्ट करूँगी। ये देखिए अब इसको डीप कर देना है आटे में। तो ये देखिए हमारा डोनट का शेप बनकर रेडी है, बिल्कुल इजी है। आप भी इसी तरीके से ट्राई कर सकते हो। अगर आपको इस तरीके से बनाना नहीं आ रहा है तो आप पेड़ा ले लीजिए, उसको बेल लीजिए। मोटा ही बेलना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है। और कोई भी ढक्कन वगैरह आप ले सकते हैं जो साइज़ का आपको चाहिए, और उससे आप कट कर लीजिए इसको। और एक छोटा सा मैंने ये ढक्कन लिया है बॉटल का, इसको सेंटर में रख के प्रेस कर देना है। तो ये देखिए हमारा इस तरीके का शेप भी डोनट का बनकर रेडी है। आप इस तरीके से भी बना सकते हो, बट मैं सारे डोनट्स को हाथों से इस तरीके से जो पहले वाला मैंने मेथड बताया था उससे मैं उनको रेडी कर लूँगी बनाकर। बहुत ही इजी तरीका है हाथों से भी बनाना। अब फिंगर को आपको मैदे में डस्ट कर लेना है और इसको सेंटर में डीप कर लेना है। तो ये हमारा दूसरा भी बनकर रेडी है। अब इसी तरह सारे रेडी कर लेंगे। तो सारे डोनट्स को मैंने रेडी कर लिया है, ये एक मैंने बचा लिया है, इसको मैं थोड़ी अलग शेप में बनाने वाली हूँ। इसको हमें लंबा रोल कर लेना है, पतला, इस तरीके से इसको पतला रोल कर लेंगे। अब इसको स्क्वायर शेप दे देंगे, बीच में आपको जितना चाहिए सेंटर में उतना गोल रखते हुए इसको स्क्वायर शेप दे देंगे। और एक हिस्से को इसके अंदर से डालकर निकाल लेना है, हल्के हाथों से निकालना है। अभी दूसरे हिस्से को भी हम अंदर से डालते हुए निकालेंगे और उन दोनों पार्टों को ज्वाइन कर लेना है। तो ये देखिए हमारा एक ये डिज़ाइन भी बनकर रेडी है डोनट का, बहुत ही प्यारा लग रहा है डिज़ाइन। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो डोनट। दस मिनट के लिए मैंने इसको रेस्ट दिया था कपड़े से। ये देखिए फूल चुके हैं ये, अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। ऑयल हमने लो फ्लेम पर गर्म किया है। देखिए बबल्स आ रहे हैं हमारे स्टिक में, बस इतना ही गरम ऑयल चाहिए हमें। और लो फ्लेम पर ही हम इसको पकाएंगे, फ्राई कर लेना है लो फ्लेम पर। फ्लेम को आपने हाई नहीं करना है, अगर आप हाई फ्लेम करोगे तो आपके डोनट का कलर तो आ जाएगा बट वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे, तो खाने में मज़ा नहीं आएगा आपको। स्पून का यूज़ नहीं करना है, स्टिक से ही आप इसको राउंड कर सकते हैं। तो ये देखिए दोनों तरफ से पक चुके हैं, इनको निकाल लेंगे। मैंने एक डिश ले ली है, डिश पर मैंने जाली रख दी है, उस पर हम इनको निकाल कर रख लेंगे ताकि इनका जितना भी ऑयल है वो निकल जाएगा, निथर जाएगा। तो इस तरीके से आपको सारे डोनट्स को रख देना है। ये दूसरे डोनट्स भी हमारे बनकर रेडी है, इनको भी हम निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। तो डोनट्स हमारे ठंडे हो चुके हैं। ये चॉकलेट को मैंने मेल्ट कर लिया था, ये वाइट चॉकलेट में मैंने लेमन येलो कलर डाला है। डार्क चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट और वाइट चॉकलेट की मैंने पाइपिंग बना ली है। अब हमारे डोनट्स को हम डीप कर लेंगे इसमें।
आप चाहें तो सिर्फ एक चॉकलेट में भी डीप करके बना सकते हैं। तो ये डीप कर दिया है हमने, डोनट को साइड में रख देंगे। अब मिल्क चॉकलेट में डीप करेंगे हम सेकंड वाले को। तो ये देखिए इसमें डिप कर दिया है मैंने, इसको भी साइड में रख देंगे हम। अब येलो चॉकलेट में इसको डिप कर लेंगे। ये जो मैंने प्लेन रखा था, जो डिज़ाइन मैंने बनाया था, उसको मैंने पाउडर शुगर में डिप किया है। ऐसे भी खाने में बहुत टेस्टी लगता है ये पाउडर शुगर के साथ। अब ये येलो वाले को हम डेकोरेट कर लेंगे। ये मैंने डार्क चॉकलेट की पाइपिंग बनाई थी, इसे हम 6 लाइन ड्रॉ कर लेंगे इसी तरीके से। अभी सेम इसकी साइड, सामने वाली साइड पर भी हम 6 लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब बीच में हम व्हाइट वाली चॉकलेट से लाइन ड्रॉ करेंगे। अब स्टिक से हम इस पर बीच में सेंटर में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा लीफ का डिज़ाइन बनकर रेडी है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और अब हम ये डार्क चॉकलेट वाले को भी डेकोरेट कर लेते हैं। ये मैंने मिल्क चॉकलेट ली है, सेंटर में मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगी, मोटी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। 6 टाइम मैंने इसको घुमाया है। अब वाइट चॉकलेट से इसके बाजू में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 6 टाइम मैंने मिल्क चॉकलेट को राउंड किया है और 6 टाइम मैंने वाइट चॉकलेट को राउंड किया है। अब स्टिक ले लेंगे हम, स्टिक से इस तरीके से हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो हमारा फ्लावर का डिज़ाइन बनकर रेडी हो जाएगा, बहुत ही ब्यूटीफुल। अब फ्लावर्स के अंदर से लेके बाहर हमें निकालनी है स्टिक को। तो ये देखिए हमारा दूसरा डिज़ाइन भी बनकर रेडी है। अब थर्ड वाला डेकोरेट कर लेते हैं हम। पॉइंट बना लेंगे हम, 4 पॉइंट बना लेना है हमें। सर्कल सर्कल हमें थोड़ा मोटा ही बनाना है और वाइट चॉकलेट से उसके सेंटर में छोटा सा सर्कल बनाना है। और स्टिक की मदद से इसके बीच में लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये हमारा हार्ट का डिज़ाइन बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये डोनट भी हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अगर आपको इस तरीके से डिज़ाइन बनानी नहीं आ रही है, तो एक दूसरा सिंपल तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। इस तरह के आप स्प्रिंकल्स ले सकते हो और उनको आप इस पर डालकर भी इंजॉय कर सकते हो, और अगर आप एज इट इज़ भी चॉकलेट में डिप करके खा सकते हो। तो ये चॉकलेट स्प्रिंकल कर लिया है मैंने इस पर। अब ये येलो वाले पर मैं एक दूसरा डिज़ाइन बनाऊंगी। मैंने मिल्क चॉकलेट ले ली है, इससे मैं इस पर लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब मिल्क चॉकलेट लेंगे और उससे लाइन ड्रॉ कर लेंगे बीच में।
अब स्टिक ले लेंगे हम और स्टिक से हमें इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये देखिए हमारा थर्ड वाला डिज़ाइन भी बनकर रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो डोनट्स हमारे बनकर बिल्कुल रेडी है।